हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई वेरीफिकेशन का मतलब ही ये होता है तो देखो बेटा कैसे करोगे इट मीन्स इसको तो मैं और सॉल्व नहीं कर सकती कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती तो इसको मैं रख रही हूँ एज इट इज़ मैं कौन सी साइड ले रही हूँ आपकी राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इसको एज अ आइडेंटिटी हम आगे यूज़ करेंगे सो ध्यान से समझ लेना ठीक है तो यहाँ से बनेगा बेटा x इसका मतलब क्या है ये एक्स पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है देन प्लस वाई इस पूरी टर्म के साथ क्या है मल्टीप्लाई में तो देखो बेटा क्या आ जाएगा सोल्व एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बीच में क्या साइन है प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो यहाँ से x इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर और साथ में y, राइट आफ्टर दैट बीच में क्या साइन है प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर वाई लिखूँ या वाई एक्सक्वायर लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वन इंटू टू इज ऑलवेज इक्वल टू टू इंटू वन आफ्टर दैट ये भी प्लस ये भी प्लस तो साइन किसका आएगा प्लस y इंटू वाई स्क्वायर इट मीन्स वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो x एज इट इज यहां से y स्क्वायर राइट right? तो देखो बेटा यहां से मेरे पास क्या आ गया एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल एक्स स्क्वायर वाई नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव कैंसिल तो क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अब अगर आपको कहीं पे ये दिख जाए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो क्या आइडेंटिटी लगाओगे दैट एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ठीक है अब आते हैं आपके इसी के सेकेंड पार्ट पर सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई सेम वे से हम इसको वेरीफाई करेंगे सबसे पहले मैं क्या लूँगी लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी एज इट इज़ यहाँ से मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या बेटा x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई राइट इट मीन्स इस पूरी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ x भी मल्टीप्लाई में है देन माइनस y भी इस पूरे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या है मल्टीप्लाई में तो देखो बेटे इसको कैसे लिखोगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई राइट अब यहाँ से क्या साइन आ गया माइनस y यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई राइट ठीक है अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो बेटा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 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 एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर यहां से जब इसको सोल्व करूंगी तो क्या साइन आएगा प्लस यहां से आपका क्या आ गया दिस इज x एक्स वाई राइट जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अगेन माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई इन सेम वे माइनस प्लस माइनस तो वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स वाई तो एक्स एज इट इज वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर ठीक है तो देखो बेटा प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर ज़ीरो प्लस स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई जीरो क्या बच गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड राइट तो बच्चे अब आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन में ये दिखे कुछ ऐसा दिखे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ठीक है बेटा अब आते हैं आपके टेंथ क्वेश्चन पे जिसमें आप इस आइडेंटिटी का क्या करोगे यूज देखो क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है फैक्टराइज फैक्टराइज़ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था दो नंबर दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए देखो बेटा क्या है वी हैव टू फैक्टराइज ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब प्लस वन ट्वेंटी फाइव जेड क्यूब जो अभी अभी आपने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं जिनको आपने वेरीफाई किया है उन्हीं का यूज़ हम इसमें करेंगे सबसे पहले ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को कैसे लिखोगे थ्री नाइन देन थ्री थ्री ज इट मीन्स थ्री रेज टू पावर थ्री तो यहाँ क्या लिख सकती हूँ थ्री वाई रेज टू पावर थ्री बीच में क्या साइन आ जाएगा प्लस आफ्टर दैट इन सेम वे वन ट्वेंटी फाइव कैन बी रिटर्न टू जेड टेन फाइव टू जेड ट्वेंट फाइव फाइव जी ट्वेंटी फाइव 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 ज ट्वेंटी फाइव तो यहाँ से आ गया फाइव रेज टू पावर थ्री तो इसको क्या लिख सकती हूँ फाइव जेड रेज टू पावर थ्री राइट अब क्या फॉर्मूला गया अगर मैं कंपेयर करूँ दिस इज ए दिस इज बी तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको ए में समझ नहीं आ रहा तो आप एक्स वाई ले लो ठीक है यहाँ पे कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो एक्स वाई लेना चाहते हो एक्स वाई ए बी लेना चाहते हो ए बी तो बेटा यहाँ से आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ए बी राइट तो ये आपकी आइडेंटिटी बन गई देखो बेटा क्या करेंगे उसके बाद ए की वैल्यू क्या है बेटा वेयर ए इज इक्वल टू थ्री वाई बी यहाँ पे भी क्यूब यहाँ पे भी क्यूब जो बेस है वो आपका क्या है बी तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से फाइव जेड ठीक है कर दो वैल्यूज पोर्ट तो यहाँ से आ गया थ्री वाई प्लस फाइव जेड इंटू थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई इंटू फाइव वाई राइट तो यहाँ से आ गया आपका थ्री वाई प्लस फाइव जेड अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगी तो इट मीन्स थ्री का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है थ्री का स्क्वायर ओपन करूंगी तो नाइन वाई स्क्वायर देन प्लस फाइव का स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे तो ट्वेंटी फाइव साथ में वाई स्क्वायर माइनस थ्री फाइव ज फिफ्टीन यहाँ पर बेटा एक एक्स है ये ये जेड है सॉरी दिस इज जेड यहाँ से आपका आ जाएगा ये जेड स्क्वायर एंड दिस इज योर वाई दिस इज योर जेड तो फाइव चीजर फिफ्टीन फिफ्टीन के साथ क्या है बेटा वाई एंड जेड ठीक है तो आपका क्या आ गया यहाँ से थ्री वाई प्लस फाइव जेड इन टू नाइन वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर माइनस फिफ्टीन वाई जेड ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइज़ का मतलब ही क्या होता है दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने क्या कर दिया इसको लिख दिया इट मीन्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या हो गया ख़त्म ओके आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन अब आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है सिक्सटी फोर एम स्ूब माइनस थ्री फोर्टी थ्री क्यूब तो देखो बेटा सिक्सटी फोर को आप कैसे लिख सकते हो टू थ्री टू देन टू वन सिक्स टू एट टू फोर टू टू राइट इट मीन्स मेरे को पावर थ्री चाहिए मेरे को पावर थ्री चाहिए यहाँ से आ गया टू की पावर थ्री इन टू बाद में भी क्या बच गया टू की पावर थ्री सेम पावर हो तो पावर को एक जगह लिख देते हो बेस को क्या कर देते हो मल्टीप्लाई टू टू जा फोर तो यहाँ आ गया फोर के पावर थ्री तो सिक्सटी फोर को क्या लिख दोगे फोर साथ में क्या है एम दोनों की पावर थ्री माइनस इन सेम वे थ्री सेवेंटी थ्री तो थ्री थ्री को देखो कैसे लिखोगे थ्री सेवेंटी थ्री फोर्टी थ्री तो यहां से सेवन सेवन फ़ोर जो ट्वेंटी एट सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री सेवन सेवन तो यहाँ से आ गया सेवन रेस टू दी पावर थ्री अगर दोनों को मैं ऐसे लिखूँगी सेवन रेस टू दी पावर थ्री एंड रेस टू दी पावर थ्री तो बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई और पावर को मैं क्या रख दूंगी एक चिंगे पे तो यहाँ से आ गया सेवन एन रेस टू दी पावर थ्री अगर कंपेयर करूं तो अभी अभी आपने नाइन्थ का सेकेंड पार्ट किया था मैंने आपको बोला था ये आइडेंटिटी की तरह यूज़ होंगे तो देखो बेटे इसको कैसे लिखोगे इफ़ दिस इज़ योर ए एंड दिस इज योर बी तो उसको कैसे लिख सकते हो ए माइनस बी इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अगर कंपेयर करूं तो क्यूब क्यूब ये वाला जो बेस है ये क्या बन जाएगा आपका ए ये वाला बेस आपका क्या बन जाएगा बी तो वेयर ए इज इक्वल टू फोर एम एंड बी इज इक्वल टू सेवन एम कर दो वैल्यूज फुट यहाँ से फोर एम माइनस सेवन एन इंटू फोर एम होल स्क्वायर प्लस सेवन एन होल स्क्वायर माइनस फोर एम इंटू सेवन एन राइट तो यहाँ से आ गया फोर एम माइनस सेवन एन आफ्टर दैट फोर फोर ज़ा सिक्सटीन सिक्सटीन एम स्क्वायर प्लस सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन एन स्क्वायर माइनस सेवन फोर ज ट्वेंटी एट साथ में एम एन ठीक है तो ये आ गया आपका आंसर अब आपको पता मैंने आपको पहले भी बताया आपको कैसे पता चला कि हाँ ख़त्म हो गया फैक्टराइज करना है बेटा दो जेबरिक एक एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया इट मीन्स आपका फैक्टराइज हो गया तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पर क्वेश्चन नंबर इलेवन आपका क्या कह रहे हैं फैक्टराइज ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस नाइन एक्स वाई जेड ठीक है तो क्वेश्चन नंबर इलेवन आपका क्या कह रहे हैं वी हैव टू फैक्टराइज इट फैक्टराइज़ करके मेरे को इसको लिखना है तो देखो बेटा इसको कैसे लिखेंगे ट्वेंटी सेवन को कैसे लिखोगे थ्री थ्री एक्स की पावर थ्री देन प्लस वाई रेस टू दी पावर थ्री प्लस जेड रेस टू दी पावर थ्री माइनस इसको कैसे लिख सकते हो थ्री इंटू थ्री क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू के साथ भी क्या है थ्री तो इसको क्या लिख दोगे थ्री इंटू थ्री साथ में x देन y देन z इट मीन्स यहाँ से मेरे पास बन गया देखो बेटा अगर मैं कंपेयर करूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी तो ये भी आपकी आइडेंटिटी होती है विच इज इक्वल टू ठीक है ये भी आपको याद रखनी है ठीक है तो आइडेंटिटी क्या होती है विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी राइट अगले क्वेश्चन में हम इसको वेरीफाई करेंगे अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट करा रही हूँ अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो ए की वैल्यू क्या है बेटा थ्री एक्स बी की वैल्यू क्या है वाई सी की वैल्यू क्या है जेड तो क्या लिखोगे वे आर ए इज इक्वल टू थ्री एक्स बी इज इक्वल टू वाई एंड सी इज इक्वल टू जेड कर दो वैल्यूज ए प्लस बी प्लस सी इट मीन थ्री एक्स प्लस ए स्क्वायर यानी कि बेटा बी स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर सी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर माइनस ए बी ए बी मतलब थ्री एक्स इंटू वाई माइनस बी सी बी सी यानी कि वाई इंटू Z, then minus AC. AC is equal to इक्वल ठीक है तो यहाँ से आपका क्या बन गया 3x एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन टू इसको ओपन करोगे थ्री थ्री 9. नाइन साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड ठीक है ये था आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरी वन अगर आपको ये एक्सरसाइज करें तो बेटा फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको लर्न करने पड़ेंगे थैंक यू सो मच